नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एक 11 साल की लड़की, नाम उसका अख्तरी, माँ का नाम मुश्तरी। साथ में दोनों पहुंचे बरेली के एक पीर के पास। हाथ में बच्ची के एक नोटबुक थी जिसमें कुछ गजलें लिखी हुई थी। पीर ने नोटबुक के एक पन्ने पर हाथ रखा और कहा, इसे पढ़ो। अख्तरी ने बेहजाद लखनवी की उस गजल को ऊंची आवाज में पढ़ा। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। पीर साहब ने कहा कि अगली रिकॉर्डिंग पर इस गजल को ही सबसे पहले गाना। अख्तरी कलकत्ता पहुंचते ही अपनी रिकॉर्डिंग कंपनी के पास गई और सबसे पहले इसी गजल को उन्होंने गाया। 1925 की दुर्गा पूजा के दौरान जब वो रिकॉर्ड रिलीज हुआ तो पूरे बंगाल में तहलका मच गया। उसके बाद से अख्तरी फैजाबादी उर्फ बेगम अख्तर ने फिर कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। नायक, नायक आज यानी 7 अक्टूबर बेगम अख्तर का जन्मदिन भी है और इसलिए इस मौके पर आज का ये कार्यक्रम 92.7 बिग एफएम परिवार की तरफ से इस महान गायिका को एक श्रद्धांजलि है। तो बताऊंगा आपको कि क्यों एक बार गाना छोड़ दिया बेगम अख्तर ने और कैसे बनी अख्तरी बेगम फैजाबादी बेगम अख्तर और कैसे कभी कदार अपने खुदा तक से झगड़ा कर लिया करती थी बेगम अख्तर। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। 1945 में जब उनकी शोहरत अपने चरम पर थी तब उन्हें शायद सच्चा प्यार मिला। मुलाकात हुई इश्तियाक अहमद अब्बासी से जो पेशे से वकील थे। निकाह हो गया और अख्तरी बाई फैजाबादी से बन गई बेगम अख्तर। गायकी छोड़ दी उन्होंने और पर्दा नशी हो गई। बहुत से लोगों ने उनकी गायकी छोड़ने पर छींटा कशी भी की, ताने भी कसे, लेकिन बेगम अख्तर ने अपना घर ऐसे बसाया जैसे यही उनकी इबादत हो। 5 साल तक बेगम अख्तर ने बाहर की दुनिया में झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर जो तकदीर में लिखा था वैसा ही हुआ, भला उससे कौन लड़ सकता है। वो बीमार रहने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि उनकी बीमारी की एक वजह है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं। अपने शौहर की इजाजत से, उनके कहने पर 1949 में वो एक बार फिर अपने पहले प्यार की तरफ लौट पड़ी और ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ शाखा से जुड़ गई और मरते दम तक जुड़ी रही। उन्होंने न सिर्फ संगीत की दुनिया में वापस कदम रखा बल्कि हिंदी फिल्मों में भी गायकी के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में भी अपना परचम फहराया। आगे बताऊंगा आपको कि वो कौन सी गजल थी जिसे अमर कर दिया बेगम अख्तर ने कश्मीर की वादियों में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। आज यानी 7 अक्टूबर बेगम अख्तर का जन्मदिन भी है। आज का ये कार्यक्रम 92.7 बिग एफएम परिवार की तरफ से इस महान गायिका को एक श्रद्धांजलि है। तो वो कौन सी गजल थी जिसे अमर कर दिया बेगम अख्तर ने कश्मीर की वादियों में। एक बार बेगम अख्तर जवानों के लिए, सैनिक साथियों के लिए कार्यक्रम करने कश्मीर गई थी। उनके साथ गई हुई थी रीता गांगुली। कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक हाउस बोट पर उनके रुकने का इंतजाम कराया था। जब रात हुई तो बेगम अख्तर ने वेटर से कहा कि वो उनका हारमोनियम हाउस बोट की छत पर ले आए और फिर उन्होंने इब्ने इंशा की जो गजल गाई वो ऐसी अमर हुई कि शायद उसके बाद कोई ही ऐसा गजल गायक होगा जिसने वो गजल नहीं गाई हो। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा,
कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की, एक ऐसी शख्सियत जिनका न गायकी में कोई सानी था न जीवन जीने के अंदाज में। तो क्यों कर लिया करती थी अपने खुदा तक से झगड़ा बेगम अख्तर कभी कभी। बेगम अख्तर कहा करती थी कि ऊपर वाले से, खुदा से उनका बड़ा निजी रिश्ता है, निजी राबता है। जब उन्हें सनक सवार होती थी तो वो कई दिनों तक बड़े आस्तिक की तरह पांचों वक्त नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो कुरान शरीफ को एक तरफ रख दिया करती थी। जब उनकी शिष्या शांति हीरानंद उनसे पूछती, अम्मी क्या हुआ, क्यों नहीं आप नमाज पढ़ रही हैं, तो उनका जवाब होता था, मेरी लड़ाई चल रही है अल्लाह मियां से। एक बार वो एक संगीत सभा में शामिल होने मुंबई गईं। वहीं उन्होंने अचानक तय किया कि वो वापस लौटने से पहले हज करने मक्का जाएंगी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी से फीस ली, टिकट खरीदा और वहीं से मक्का के लिए रवाना हो गई। जब तक वो मदीना पहुंची उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर बैठकर नात, यानी जो नहीं समझते उनके लिए बताते चलूं कि हजरत मोहम्मद साहब की शान में पढ़ा जाने वाला एक गीत होता है, उसे नात कहते हैं। जब वो पढ़ना शुरू किया तो आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। तब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये तो मशहूर गायिका बेगम अख्तर हैं। बस जैसे ही ये बात फैली, तुरंत स्थानीय रेडियो स्टेशन से उन्हें आमंत्रित किया गया और रेडियो के लिए उनकी आवाज में नात को रिकॉर्ड कर लिया गया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। तो कैसे एक बार मरीज को फलों के टोकरे के साथ सिगरेट के पैकेट्स भी दे आई बेगम अख्तर। दोस्तों, हम बेगम अख्तर के जीवन की बात कर रहे हैं, उनके शौक की भी बात उसमें शामिल है। आप उसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालिएगा, हालांकि चीजें बड़ी बुरी हैं, सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन जब किसी नायक की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके जीवन की कहानी आपको सुना रहे हैं, तो उसके प्रति ईमानदारी बरतना भी हमारा दायित्व है। तो इन सभी बातों को आप उसी स्पिरिट में सुनिएगा। बेगम अख्तर की शिष्या शांति हीरानंद ने एक जगह कहा है कि रमजान के दौरान बेगम अख्तर सिर्फ 8 या 9 रोजे ही रख पाती थी, क्योंकि सिगरेट्स के बिना वो रह नहीं पाती थी। उनको नजदीक से जानने वाले प्रोफेसर सलीम केदवई बताते हैं कि एक बार उनसे बेगम अख्तर ने पूछा कि क्या तुम सिगरेट पीते हो, तो उनका जवाब था, जी हाँ, लेकिन आपके सामने पीने की गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। कुछ अरसे बाद एक बार सलीम केदवई साहब के वालिद को देखने बेगम अख्तर अस्पताल आई। वो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे, फलों की एक बड़ी टोकरी वो वालिद साहब के लिए लेकर आई थी सलीम केदवई जी के। फलों के बीच रखे हुए थे सिगरेट के भी 4 पैकेट्स। धीरे से जाने से पहले बेगम अख्तर ने सलीम केदवई जी को बताया कि फल तुम्हारे वालिद के लिए हैं और सिगरेट तुम्हारे लिए। दोस्तों, ध्यान रहे, ये उस समय की बातें हैं 1950-1960 के दशक की, जब सिगरेट के नुकसान की बातें इतनी दुनिया में हुई नहीं थी कि कितनी हानिकारक है ये स्वास्थ्य के लिए। तो आप किसी भी तरह से इन सब प्रसंगों का, इन कहानियों का कोई गलत अर्थ मत निकालिएगा, सिगरेट शराब से दूर रहना ही हमारी सलाह होगी आपको। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों रोते रहे फिराक गोरखपुरी बेगम अख्तर की गजलें सुनकर, और क्यों जिगर मुरादाबादी से शादी करना चाहती थी बेगम अख्तर। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मलिकाए गजल बेगम अख्तर की। तो कैसे फिराक गोरखपुरी साहब बेगम अख्तर की गजल सुन रो पड़े एक बार, और क्यों जिगर मुरादाबादी से शादी करना चाहती थी बेगम अख्तर। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी बेगम अख्तर के करीबी दोस्तों में थे
और अपनी पत्नी के साथ वो जब भी लखनऊ आते थे ज्यादातर बेगम अख्तर के हेवलॉक रोड स्थित मकान में ही रुका करते थे। बेगम अख्तर भी खुलेआम जिगर मुरादाबादी से फ्लर्ट किया करती थी। एक बार मजाक में उन्होंने जिगर साहब से कहा, क्या ही अच्छा हो कि हमारी आपसे शादी हो जाए, कल्पना कीजिए हमारे बच्चे कैसे होंगे, मेरी आवाज और आपकी शायरी जबरदस्त संगम होगा ये। इस पर जिगर साहब ने जोर का ठहाका लगाया और जवाब दिया, लेकिन अगर उनकी शक्ल मेरी तरह निकली तो क्या होगा। बेगम अख्तर के दोस्तों में जाने माने शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व भी थे। जब वो लखनऊ में होते थे तब वो भी अक्सर अपना झोला कंधे पर डाल मिलने पहुंच जाया करते थे बेगम अख्तर से। शाकाहारी थे कुमार गंधर्व। जब कभी भी कुमार गंधर्व उनके घर आते थे तो वो पहले नहाती थी और फिर वेजिटेरियन खाना बनाकर उनको परोसती थी। अपनी मौत से कुछ दिन पहले जब फिराक गोरखपुरी साहब दिल्ली में पहाड़गंज के एक होटल में रुके हुए थे तो बेगम अख्तर उनसे मिलने गई थी। फिराक गहरी गहरी सांस ले रहे थे लेकिन चेहरे पर उनके मुस्कान थी। उन्होंने अपनी एक गजल बेगम अख्तर को दी और इसरार किया, रिक्वेस्ट की कि वो उसी वक्त वो गजल उन्हें गाकर सुनाए। शामे गम कुछ उस निगाहें नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। जब बेगम अख्तर ने वो गजल सुनाई तो फिराक साहब की आंखों से आंसू बह निकले। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मलिका गजल बेगम अख्तर की। कैसे गाते गाते हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कहा गजलों की मलिका बेगम अख्तर ने। एक बार कलकत्ता में स्टेज पर वो परफॉर्म कर रही थी और वो प्रोग्राम था बिहार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। उस दिन उन्हें सुनने के लिए मौजूद लोगों में भारत की कोकिला सरोजनी नायडू भी थी। सरोजनी नायडू बेगम अख्तर से इतनी प्रभावित हुई कि कार्यक्रम के बाद स्टेज के पीछे आ न सिर्फ उन्होंने बेगम अख्तर को बधाई दी बल्कि एक खादी की साड़ी भी उन्हें भेंट में भिजवाई। 1958 में सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई जलसा घर बेगम अख्तर के फिल्म करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक गायिका की भूमिका निभाकर उसे जीवंत कर दिया था। अपनी जादुई आवाज से श्रोताओं के दिलों के तार झंकृत करने वाली ये महान गायिका 30 अक्टूबर 1974 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेगम अख्तर की तमन्ना थी कि वो आखिरी वक्त तक गाती रहे और उनकी ये तमन्ना पूरी भी हुई। मौत से सिर्फ 8 दिन पहले उन्होंने मशहूर शायर कैफी आजमी की यह गजल रिकॉर्ड की थी। सुना करो मेरी जान उनसे उनके अफसाने, सब अजनबी हैं यहाँ कौन किसको पहचाने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नायक मलिका गजल पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित बेगम अख्तर। सोमवार शाम 8 बजे मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने जानी मानी और बहुत ही मिस्टीरियस नायिका रेखा के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रसंगों के साथ। फिलहाल मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीकेंड।